as far as I know, this is a mill land. And so things like that, maybe it's a mill land. That's why Phoenix Mills, you know. I think it's supposed to be a landmark or something. They want to keep it here. I'm not very sure. Okay, the chimney is here because I guess there are a lot of eat out places out here because of that. Eat out places in the sense, I mean restaurants, etc. I mean. The chimney. Okay, this is the old the Phoenix Mills this is chimney. Phoenix I think. Mills is named as, so it has a chimney and all. Mills do have chimneys and stuff. So that's the old chimney, I think, which is the. This man's to give the look for the Phoenix Mills. Maybe they'll, name and all, they'll you know? Give a different, better look. You know, they're working on it. They're working on it. Something. Maybe like they'll create some antique kind of a thing, and who knows? We never really noticed much about it. काय होईल आता ही जागा गेल्यानंतर काय करणार मग आम्ही सांगा आता पीड आणि पेढी 71 वर्षांनी आम्ही त्या बिल्डिंग मध्ये राहतो आहे तर आमचं खोली आम्हाला मिळालंच पाहिजे चार पिढ्या आमच्या हक्काची खोली आम्ही मागतोय ना आम्ही काय दुसरं मागत नाही कुछ नहीं लगता है छोड़ो ना यार हमारा बम्बई शहर का बारे में जब कहा जाता है तो गिरणी मजदूर और बम्बई शहर इनका नाता है जो है रिलेशन है तो बहुत नज़दीक का रिलेशन होता है गिरणी मजदूर बोला तो बम्बई शहर बोलेगा तो गिरणी मजदूर इधर 3 लाख गिरणी मजदूर थे खाली गिरणी में काम करने उनका संबंध ये शहर में नहीं था तो वो काम करते चाल में रहते थे अलग से एक संस्कृति बम्बई शहर में उनके त्यौहार की उनके एजुकेशन की एक बम्बई शहर में हो गई थी इसलिए बम्बई शहर के और गिरणी मजदूर का एक नाता एक अतूट नाता ऐसा बम्बई शहर में हो गया है तीन पीढ़ी से मतलब हम हमारे पिताजी पिताजी के पिताजी ऐसे लोग इस कॉलोनी में बहुत से लोग हैं अभी हम लोग हमारे अभी 90 साल से हम लोग यहाँ ये जमीन पे रहते हैं हमारे ग्रैंडफादर फादर मैं मेरी मम्मी मेरा बड़ा भाई मैं मेरा छोटा भाई सब एक ही मिल में काम पे थे 5 जन तो तुमसे आई वडील पण मिल मध्ये थे हां सगळे माझा परिवार सगळा पूर्ण होता और हम लोगों को तो फिर काम नहीं तो हम लोग जाएंगे कहां फुटपाथ पे रहना पड़ेगा इनका क्या कहने का इन लोग को कहां से यहां से भगा दो और बड़े बड़े उद्योगपति को लाके ये जमीन बड़ा टावर बनाने का बस बड़ा बड़ा टावर करके इन लोग आपस में उसका मतलब ले लेंगे और हम लोग को यहाँ से भगाने का बिना मतलब के और बिना पैसे के भगाने का इन लोगों का चार चला है वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज द वर्कर्स दैट मेड मुंबई व्हाट इट इज इट्स नॉट जस्ट मिस्टर टाटा एंड मिस्टर गोदरेज एंड मेनी अदर पीपल हु आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इट्स पीपल लाइक दिस हु वर ब्रॉट मच अगेंस्ट देयर विल ओवर 100 इयर्स फ्रॉम द कोंकण टू वर्क इन द मिल्स एंड दैट गेव मुंबई इट्स मसल and made it what it was what it is aam aadmi log kya karega fir kuch na kuch karna hi padta hai na abhi kuch kuch aurat log suta kaam karta hai koi kidhar jata hai bhandi kaam karta hai kapda kaam yahi sab ka halat ho gaya abhi iske karan mahina 12 rupaye dhanyavad bhai koni tari changla asla to 15 rupaye denar ani sarva kaam karayla 60 rupaye 50 rupaye 40 ase mi to 15 gharche mitra bhandi gasle 7-8 बिल्डिंग मध्ये बहुत अच्छा गुजारा चल रहा था हम लोग का बहुत अच्छा बोलो तो हम लोग खुशी से रहते थे चार चार पांच पांच जन हमारे तीन बहन है तीन बहन का शादी भी थी हम लोग ने बनाया वही मिलके काम नौकरी के ऊपर
सब लोग अपने अपने अच्छे अच्छे घर पे है, मगर हम लोग पे ऐसा दिन आया गवर्नमेंट ने हम लोग पे जो स्ट्राइक हो गया वो बुरी तरह से हो गया 82 में। हम लोग बिल्कुल जैसे लंगड़ा हो गया आदमी, वैसा स्ट्राइक में हम लोग लंगड़े हो गए। याद करो बम्बई का माहौल पुराना, गाते थे मिलो में साचे गीत का सुहाना, गाते थे मिलो में साचे गीत का सुहाना, गाते थे मिलो में साचे गीत का सुहाना। रात पाली दिन पाली कभी न सोती रात काली, रात पाली दिन पाली कभी न सोती रात काली। चिमनी में से धुआं काला किसने उस पर हमला बोला, चिमनी में से धुआं काला किसने उस पर हमला बोला। धीरे धीरे गूंगा हुआ, धीरे धीरे गूंगा हुआ जिंदगी का गाना, गाते थे मिलो में साचे गीत का सुहाना, गाते थे मिलो में साचे गीत का सुहाना, गाते थे मिलो में साचे गीत का सुहाना। मिल विल कुछ भी, अभी तो मिल खत्म ही हो गई, अब कम से कम हमारा ऐसा धंधा तो होना चाहिए जो हम शांति से करें। बस शांति नहीं है इधर बम्बई में, अशांति है। शांति नहीं है, क्या है, अशांति है बम्बई में। शांति का नाम नहीं रहा अभी। 600 एकड़ का जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए? अगर इनको गिरनी नहीं चलाना है तो मुझे ऐसा है कि इस शहर की जो गिरनी मजदूरों की जो क्या उनके गुण क्या है, उनके आस कौशल्य क्या है, उनका भी विचार होना चाहिए। तो उसका विचार होके इस 600 एकड़ में उनको रोजगार कैसा मिलेगा और रोजगार में उनका समावेश कैसा हो जाएगा, इस तरह से का डेवलपमेंट होना चाहिए। नहीं मिलेगा कैसा मिलेगा, वो लोग देता ही नहीं तो किधर से मिलेगा। अभी मिल वाले के लड़के लोग भी पड़े हैं, उन लोग को भी नहीं लेता है। फिर हाँ, अभी वॉचमैन का नौकरी तो मिल वाला कर सकता है ना, उन लोग को भी नहीं देता है। नहीं तो अभी जस्ट अभी आपने सुना आप फिनिक्स मिल का है जैसे है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से तो 1% भी आदमी फिनिक्स मिल का नहीं रहेगा वहाँ। यानी जो सिक्योरिटी बॉय है वो भी उनका नहीं। तो आगे की बात ही छोड़ो, उनके लेवल का काम दे दिया भले सादा ही होगा, खत्म हो गया काम देगा तो हम लोगों का गुजर होगा। इन लोग बच्चे लोगों को लोग काम नहीं देगा तो बच्चे लोग आउटलेट घूमेंगे। Everybody is happy. All workers are saying that we have got our dues. We have seen the end of the trail of hardship. We have got a new meaning to our life. इतना बेकार हो गया घर बर्बाद। इनका मिस्टर, इनके लड़का मिल में थे। किधर जाएगा हम लोग? कुछ भी नहीं, यही रूम है बस। त्याले धुंडती झोपड्या ग माझे माई, 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 त्याले धुंडती झोपड्या ग माझे माई। जितने टावर बनेंगे उतने आदमी भिखारी बनेंगे, यानी टावर बनते जा रहे हैं और पब्लिक परेशान होती जा रही है। खाली टावर का नाम है, खाली टावर वाले ही रहेंगे और हम लोग कहाँ रहेंगे? ज़मीन के नीचे, ये टावर के नीचे रहने पड़ेगा अपने। हम लोग को पानी नहीं आता ये टावर होने से पहले, बहुत बड़ा पानी आता था, अभी हम लोग को पानी भी नहीं आता है। हम लोग 5,000 रुपये खर्च किया ये पाइप के लिए, ये टावर बन गए तब से हम लोग को पानी भी नहीं आता है। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं सरकार के सामने? हम लोग आम आदमी का क्या चलने वाला है? फिर अभी सब पढ़ के भी घर में बैठा है, कैसा भी हम लोग पढ़ाई किया किधर से भी तो क्या फ़ायदा है, क्या करने का है? वो सिंगापुर बनाए नहीं तो दुबई बनाए, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? यस, बॉम्बे शुड बी वेरी मच अपग्रेडेड टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ शंघाई और सिंगापुर। यस, इट्स वेरी गुड। या आई एम श्योर इट विल बी गुड if Bombay is converted into Shanghai, it'll be very good. I mean, oh, it's a great idea, you should go with it.
In fact, it should be better than Shanghai. Yeah, better than Shanghai or Singapore, Malaysia, something like that. Shanghai, yeah, it's got the skyscrapers, it's got the network and everything, and it's a corporate capital so well. That way it would work. ज़रूर मैं ऐसे कहूँगी कि बम्बई का शंघाई तो बनने ही वाला है और बनना भी चाहिए कि एक हद तक देखा जाए तो जितने भी हम सोचते हैं कि अच्छी बातें होनी चाहिए तो शंघाई बनना है तो अच्छी बात है मगर शंघाई में हम कहाँ हैं ये सभी ने सोचना चाहिए हम अगर एग्जांपल ले लें कि हमारा लालबाग जहाँ का जो हमारा ऑफिस है या जो गिरणगांव बोला जाता है ये लालबाग के कोई बच्चे शंघाई में टिकने वाले हैं कि नहीं ये बच्चों ने सोचना चाहिए शंघाई में अगर डांस बार है शंघाई में अगर बोलिंग रैली है तो वहाँ पर हमारा क्या योगदान होगा वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं झाड़ू लगाने वाले हैं वहाँ पर खुद खेलने जाने वाले हैं या इन्जॉय करने वाले ऐसी कोई भी भूमिका हमारे यहाँ के बच्चों की नहीं है मुंबई में आप जीना बेकार है रहना बेकार है कोई मतलब नहीं मुंबई में रह के जो बम्बई में रह रहे समझो समझो वो चूतियागिरी में रह रहे गरीबों का रहना नहीं है गरीबों का रहना नहीं है बम्बई में अमीर भले रह भाई बदली बदली सी सूरत है भाई ये बम्बई की सूरत है भाई मिल तोड़ के बनाए टावर 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 बने सुपर पावर के सुप्रीम हो भाई सारे नेट पे बैठे हैं भाई वे जेट पे बैठे हैं भाई इंटरनेट पे बैठे हैं भाई जंबो जेट पे बैठे हैं भाई खाली पेट हम बैठे हैं भाई खाली पेट हम बैठे हैं भाई फैक्ट्री गेट पे बैठे हैं भाई सारी डेवलपमेंट चली है भाई सारे बार खुल रहे हैं भाई जिसको थेप भी खुले हैं भाई मल्टीनेशनल के ऑफिस है भाई सब कांच के बने हैं भाई अब कैसीनो आएंगे भाई कॉर्पोरेट की जादू है भाई अब कैसीनो आएंगे भाई कॉर्पोरेट की जादू है भाई अब कैसीनो आएंगे भाई कॉर्पोरेट की जादू है भाई विकास विकास का नारा चला है विकास विकास का नारा चला है भकस करोड़ों जिंदगी भाई हाँ ये ग्लोबल गैंगस्टर है भाई गेम गरीब की बचती है भाई बातें विकास की चली है भाई जिंदे लाश के तरह है भाई सारे रास्ते पे घूमते हैं भाई जिंदा कचरा बने हम भाई सोशल वेस्ट के नाम से भाई पहचाने जाते हैं भाई सोशल वेस्ट के नाम से भाई पहचाने जाते हैं भाई सोशल वेस्ट के नाम से भाई पहचाने जाते हैं भाई अरे शंघाई नाम के सुपर झाड़ू से शंघाई नाम के सुपर झाड़ू से लाशों की सफाई चालू है भाई हाँ कब तक देखते रहोगे भाई या कुछ करने की सोचोगे भाई